हेलो स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है। पी इज अ पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल एबीसी, थ्री स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एबी, बीसी एंड एसी आर ड्रॉन व्हिच डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू सिक्स रीजन्स। इफ द एरिया ऑफ थ्री ट्रायंगल फॉर्म इन दिस रीजन्स आर 9, 16 and 25 स्क्वायर यूनिट्स, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमको फाइंड करना है। ए बी सी आपको ये ट्रायंगल दे रखा है, सपोज करते हैं पी इन साइड द ट्रायंगल है, ये पॉइंट है, यहाँ पे अब एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करना है ए बी का, एक लाइन पैरेलल ए सी का और एक बी सी का, यही सिक्स रीजन में आपको ट्रायंगल ऑफ ए बी सी को सिक्स रीजन में ये डिवाइड किया है पॉइंट पी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसका एरिया आपको दे रखा है, एरिया क्या क्या दे रखा है, इसका 9 स्क्वायर यूनिट, इसका 16 स्क्वायर यूनिट और इसका 25 स्क्वायर यूनिट दे रखा है। ठीक है, हमको ए बी सी का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, इसमें स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट नहीं लगा कि इसमें आपको ज्योमेट्री का अगर कंसेप्ट लगाएंगे ठीक है तो एरिया इजीली फाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसमें स्ट्रेट लाइन का आप नो इक्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, केवल एरिया दे रखा है, तो देखिए पहले अगर हम इस ट्रायंगल में बात करते हैं, इस सब का नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस टी यू वी, ये नाम रख दिए। देखिए इस दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है, ट्रायंगल पी आर क्यू एंड ट्रायंगल पी एस टी, ए बी पैरेलल है यानी यू एस पैरेलल टू ए बी है, तो ये एंगल जो बनाएगा वही ये एंगल होगा, क्योंकि एक्सटेंडेड पोर्शन एक्सटेंडेड पार्ट है, क्यू पी का ही एक्सटेंडेड पार्ट है पी टी, और ये लाइन आर भी पैरेलल है आपका ए सी का। ठीक है, तो ये एंगल जो होगा वही ये एंगल होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया ए के हेल्प से। ठीक है, ए के हेल्प से ये सिमिलर हो गया, तो एरिया जो होगा इसका रेशियो क्या होगा, आर पी अपॉन एस टी का जो रेशियो होगा, आर पी अपॉन एस टी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 25/16 का स्क्वायर रूट, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं ना कि एरिया ऑफ, पहले ये लिख देते हैं सिमिलर ट्रायंगल, ट्रायंगल क्यू आर पी सिमिलर टू पी एस टी। ठीक है, तो एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर पी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस टी इक्वल टू क्या बनेगा, आर पी अपॉन एस टी के स्क्वायर के बराबर, और ये है आपका 25/16, देयरफॉर आर पी अपॉन एस टी कितना मिल जाएगा हमको, 5/4। ठीक, तो यहाँ से हम एस टी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, एस टी इक्वल टू 4/5 ऑफ आर पी। ठीक, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल क्यू आर पी एंड ट्रायंगल क्यू आर पी एंड ट्रायंगल यू पी भी, यू पी भी देखिए, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, अगेन ए बी एंड एस यू यहाँ पैरेलल ही है, तो ये अगर एंगल जो बना रहा है वही एंगल ये बनेगा, फिर सेम एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल सेम हो गया, फिर ये एंगल जो है, ठीक है,
है तो आपका ये एंगल भी क्या होगा, सेम बनेगा। तो अगेन ये दोनों ट्रेंगल क्या हो गया, अगेन सिमिलर हो गया, यानी ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल तीनों क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आर पी अपॉन पी भी, ठीक है, या इस दोनों में बात कर लेते हैं, ठीक है, इस दोनों ट्रेंगल में, तो आपको निकलेगा, चलिए यूपी भी निकाल दिए है ना, तो यहाँ लिख देते हैं ट्रेंगल क्यू आर पी सिमिलर टू ट्रेंगल यू पी भी, और फिर इसके हेल्प से ये भी हो जाएगा अगेन सिमिलर ऑफ ट्रेंगल पी एस टी, ये तीनों ट्रेंगल सिमिलर हो गया। ठीक है, आर पी का वैल्यू, ठीक है, अब इस लाइन की बात करेंगे तो ये और ये पैरेलल्स हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, ए आर एंड एस पी ये भी क्या है, पैरेलल है, तो ये क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, ए एस पी आर इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हो गया, यानी आर पी का डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, ए एस के डिस्टेंस के बराबर। ठीक है, आर पी इक्वल टू ए एस, ठीक है, इसको एक अननोन कांस्टेंट के रख लेते हैं, ठीक है, के। तो ए सी अब देखेंगे ट्रेंगल ए बी सी, फिर यहाँ पे देखिए आप ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल यू पी वी, यू पी वी ये क्या हो जाएगा, ये भी अगेन सिमिलर हो है, क्योंकि ये एंगल इसके एंगल के बराबर है, एंगल सी और एंगल वी दोनों इक्वल हैं, पैरेलल है, तो इक्वल एंगल हो गया, तो आपको यहाँ लिख देंगे एंगल ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रेंगल यू पी भी। ठीक है, अब हमको ए सी चाहिए, ए सी का वैल्यू देखिए क्या क्या होगा, ए सी इक्वल टू ए एस प्लस एस टी प्लस टी सी, ये के हैं, एस टी का वैल्यू यहाँ से 4/5 ऑफ आर पी, आर पी है आपका के, तो यहाँ से 4/5 ऑफ के निकाल सकते हैं। अब रहा टी सी का वैल्यू आपको फाइंड करना था, ये ना टी सी का लेंथ, किसके बराबर होगा, ये पैरेललोग्राम है तो टी सी एंड पी वी दोनों इक्वल हो जाएगा ना, टी सी और पी वी इक्वल हो जाएगा, तो ये 25 है और इन 9 है, तो आप यहाँ पे कर देता हूँ मैं आर पी, आर पी का स्क्वायर अपॉन पी वी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, क्योंकि सिमिलर है 25/9, तो आर पी अपॉन पी वी इक्वल टू 5/3, सो पी वी इक्वल टू, पी वी इक्वल टू 3/5 टाइम्स ऑफ ये आर पी है, आर पी पी वी मीन्स पी वी का जो वैल्यू होगा वही टी सी का वैल्यू होगा, पी वी इक्वल टू टी सी दैट मीन्स 3/5 टाइम्स ऑफ आर पी, और आर पी आपने लिखा है के है, तो ये हो गया आपका 3/5 टाइम्स ऑफ के, यानी ए सी का वैल्यू जो होगा वो हो गया आपका 12 k/5। अब दोनों का एरिया निकालना है, तो एरिया देखिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल यू पी भी, यू पी भी ये किसके बराबर होता, ए सी का होल स्क्वायर अपॉन यू भी का होल स्क्वायर, यू भी ये साइड ली है, तो एक साइड ये ले लेते हैं पी भी, पी भी का स्क्वायर के बराबर, दैट इंप्लाइज ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी
और यूपीवी का एरिया कितना है, 9 दे रखा है। एसी, एसी आपके पास है 144 के स्क्वायर बाय 25 अपॉन पीवी। पीवी का वैल्यू आपने यहाँ फाइंड कर लिया 3/5 ऑफ आरपी, यानी 9/5 ऑफ आरपी। आरपी का वैल्यू के, यानी के स्क्वायर कैंसिल, 25 कैंसिल, और ये हो जाएगा यहाँ से 9, इधर भी 9 कैंसिल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना हो जाएगा, 144 स्क्वायर यूनिट। तो आंसर इज सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू।